प्रयागराज पूरा मनोहर दास वार्ड में कालादांडा भावापुर रोड पर कूड़े का ढेर लगाकर छोड़ दिया गया है। पिछले 7-8 दिन से ये मलबा क्षेत्र में बदबू के साथ बीमारी का घर बना हुआ है। नगर निगम सफाई कर्मचारियों से बात करने पर बताया गया कि रोबोट जेसीबी नहीं मिलने से कार्य नहीं हो पा रहा है। अब इतने दिनों तक नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही से कूड़ा पड़ा रहा तो बीमारी फैलने का खतरा बना रहेगा। निगम प्रशासन से मांग है जल्द से जल्द इसकी सफाई कराए जाएं। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। ये नगर निगम प्रयागराज वार्ड पूरा मनोहर दास के क्षेत्र अकबरपुर और करेली के बीच एक पार्क है जिसकी दीवार पिछले 15 दिन पहले हुई बारिश में, जो कि काफ़ी दिनों से जर्जर थी, वो दीवार नाले में गिर गई, जिसकी वजह से नाले का पानी बहाव नहीं हो पा रहा था, बाधित था और लोगों को परेशानी होने लगी। नाला भर कर उसका पानी सड़क पर फैलने लगा। जब हम लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों से इसकी शिकायत करी तो कई दिन के बाद, यानी लगभग 3-4 बार हम लोगों ने शिकायत की, तब जाकर के उन्होंने थोड़ा सिर्फ बहाव किसी तरह से चालू हो जाए, पानी बहना शुरू हो जाए, थोड़ा सा मलबा निकाल करके, वो भी बीच सड़क पर, मेन रोड पर जो कि चालू बहुत ही ज़्यादा आवागमन वाला रास्ता है, बीच रोड पर निकाल कर छोड़ दिया है, और जिससे अब आवागमन भी बाधित है और राहगीरों को परेशानी भी हो रही है। ये रोड करेली कालाडांडा कब्रिस्तान को जाता है, आदर्श नगर बेनीगंज। अब एक तरफ नाला भी जाम है और दूसरी तरफ मलबा निकाल कर छोड़ दिया गया, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। मैं नगर आयुक्त से मांग करता हूँ उक्त मलबे को साफ़ कराने की कृपा करें।